इधर ग्वालियर में भी चिकित्सकों के महासंघ के बैनर तले डॉक्टरों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी और इसका असर मरीजों के रोजाना होने वाले इलाज पर तो पड़ा ही, लेकिन साथ ही साथ किन्हीं हादसों की वजह से जो दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, दुनिया छोड़ चुके हैं, उनकी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भी परिजनों को डॉक्टर के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाकर गुहार लगाते हुए मिन्नतें करते हुए भी देखा गया। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर तो पड़ा ही है। अलग अलग कारणों और हादसों में अपनी जान से हाथ धोने वाले मृतकों के परिजनों को डेड बॉडी लेने में पसीने छूट गए। नहीं पसी जा तो डॉक्टरों का दिल। ऐसे एक तो नहीं बल्कि तीन तीन मामले ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जयारोग्य अस्पताल में देखने को मिले, जहां पर ग्वालियर के ही मुरार क्षेत्र के महू जमहार गांव में सांप के डसने पर ग्रामीण नरेंद्र बादाम की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया। कल एक थोड़े रिश्तेदार थे हमारे, दामाद थे, तो वो क्या है तो जहरीला पदार्थ खाकर खत्म हो चुके हैं वो। उनका नाम था नरेंद्र बादाम जमहार, ग्राम जमहार। हाँ, तो क्या है कि उनकी क्या है डेड बॉडी कल से 11 बजे से जहाँ पर पड़ी है पीएम के लिए। तो जिस तरह से डॉक्टरों की जो हड़ताल है इसका जो असर है कितना व्यापक रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शव का पोस्टमार्टम भी इस दौरान नहीं हो पाया। परिजन इंतजार करते रहे कि उनके जो अपने इस दुनिया से जा चुके हैं उनके अंतिम दर्शन वो कर पाए, अंतिम जो क्रियाएं होती है उसको संपन्न कराया जाए, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल चूंकि जारी थी ऐसे में पोस्टमार्टम कईयों के नहीं हो पाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद खान भी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ये असर हुआ है, जो परिजन इंतजार कर रहे थे अपने अपनों के अंतिम दर्शन के लिए, जाहिर तौर पर उनके लिए भी ये बेहद दुखद खबर, उनके लिए भी परेशानी का सबब। क्या इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट आ रहे, क्या पोस्टमार्टम हो पाया है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुई है? जी बिल्कुल, जो हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल थी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी, जो जीआर मेडिकल कॉलेज के अधीन जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है उसमें पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाए, मरीजों को तो खाली हाथ लौटना ही पड़े। आयुष डॉक्टरों के भरोसे इलाज होता रहा और लंबी लंबी कतारें लगी रही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कल एक मरीज की जो कि भर्ती था उसको सांप ने काट लिया था, सर्प दंश का शिकार होने के बाद उसकी मौत हो गई थी। उसके जो परिजन महू जमार गाँव से आए थे और वो कल तो इस बात को लेकर डॉक्टरों ने उनको रफा दफा कर दिया था कि कल देखेंगे, और लेकिन आज उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल थी तो डॉक्टरों ने डेड बॉडी को हाथ लगाने से इनकार कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए वहां पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इंतजार करते रहे। और जो परिजन है हाथ पांव तक लोगों के छू रहे थे और डॉक्टरों से गुहार कर रहे थे कि उनकी बॉडी को उसको दे दिया जाए। उनके गाँव में लोग इंतजार कर रहे हैं, 400-500 लोग इंतजार कर रहे हैं, पत्नी बच्चे बिलख रहे हैं और डेड बॉडी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन इसका वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जब वहाँ के जो फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर हैं उनसे हमने बात की तो उनका सीधे सीधे जवाब था कि सरकार को इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था, यानी उनका सारा साफ था कि उनकी हड़ताल सफल है और वो यही चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्थाएं फैलें। जाहिर तौर पर ये एक असंवेदनशील स्थिति पैदा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जी इस पूरी जानकारी के लिए।